ईवीएम को लोकतंत्र का खतरा बताते हुए इसे बैन करने की मांग को लेकर 6500 किलोमीटर की यात्रा पर निकला यह शख्स गोमो के तोपचांची पहुंचा। 18 अगस्त को उत्तराखंड से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी ओंकार सिंह ने। देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत करते हैं। पैदल यात्रा पे निकला हूँ जो उत्तराखंड से यूपी दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल होते हुए अब मैं यहाँ झारखंड में हूँ। यहाँ से मैं बिहार यूपी होते हुए दिल्ली जाऊँगा। मेरा ये मानना है कि जो सरकार वोटों की चोरी से बनती है वह सरकार देश और जनता का भला नहीं कर सकती। आज हमारे देश में जो समस्याएँ हैं इतनी बड़ी बड़ी समस्याएँ पैदा हो चुकी हैं यह सब इनकी तानाशाही की वजह से है। जो ये इनके जनता को वोट नहीं किया इनको मशीनों ने वोट दिया है इसलिए जनता की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।